हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बिरयानी, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसके साथ मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाला का पाउडर। मैंने यहाँ 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसके साथ मैंने लिया है खड़ा गर्म मसाला, और मैंने इसके साथ लिया है 2 चम्मच दही। मैंने यहाँ पे गाढ़ी वाली दही यूज़ की है। इसके साथ मैंने लिया है हरा धनिया। मेरे पास पुदीना नहीं था, आप लोगों के पास हो तो ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और इसके साथ मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज जो थे स्लाइसेस में कट करके, और जो प्याज है हमारा उसको हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज है उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम जो हमारा मैरिनेशन था उसमें हम प्याज डाल देंगे। देख सकते हैं प्याज को हम यहाँ ऐड करने के बाद, कुछ प्याज हम रख लेंगे साइड में, वो बाद में हमें काम आएगा। और अभी मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक मैं यहाँ टेस्ट से थोड़ा सा अधिक डालूँगी, क्योंकि जो चिकन है वो चावल के साथ मिक्स करना है इसकी वजह से। और मैंने यहाँ पे हाथों से मैरिनेशन किया है, आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं। जो हमारा मैरिनेशन है कम्प्लीट हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे 1 घंटा के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फॉर्चून रोज़ाना दूध भर का बासमती राइस लिया है, इसको मैंने यहाँ पे 3 गिलास चावल लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल जो लेने के बाद मैं यहाँ पे वॉश करूँगी चावल को। मैं यहाँ 2 से 3 पानी वॉश करूँगी। देख सकते हैं जो हमारा चावल का पानी है बिल्कुल साफ़ हो गया है, और मैंने यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए रख दिया है। मैंने लिया है यहाँ पे बड़ा सा बर्तन, जिसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच सरसों का तेल, बड़े वाले चम्मच से मैंने लिया है। इसमें मैंने लिया है 3 पत्ता जीरा, काली मिर्च। जीरा डालने के बाद हमारा जो चिकन था मैरिनेशन वाला, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसे चला लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। और इसके साथ मैंने लिया है 3 टमाटर, मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया था, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ आधा कप पानी और 2-3 हरी मिर्च, जिसको मैंने तोड़ लिया है बीच से, और साइड में हम रख देंगे इसको पकने के लिए। तब तक हम चावल बनाने के लिए यहाँ पानी लिया है मैंने भगोने में, करीब मेरा 3 गिलास चावल था, तो मैं यहाँ 9 गिलास पानी लूँगी। करीब उसे 2 गुना ज़्यादा हम पानी लेते हैं। इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला, 3 पत्ता, घी लिया है, और इसके साथ मैं यहाँ पे चावल ऐड कर दूँगी जो हमारा पानी खोल गया है। इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच नींबू का रस, इसको भी हम ऐड करके चला लेंगे। चावल को हम बार बार नहीं चलाएँगे, जब हमारा चावल कुक हो जाता है 70-80%, तो वो चावल खुद पे खुद ऊपर आ जाता है। तो मेरा चावल है उसे हो गया है, और हम चलते हैं इसे लेयरिंग करने के लिए। लेयरिंग करने के लिए मैं उसी बर्तन में डायरेक्ट कर रही हूँ, चावल को ड्रेन करके मैं और इसमें सारा का सारा ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद जो चावल था हमारा, उसको मैंने यहाँ फैला दिया है। फैलाने के बाद मैं यहाँ पतले टमाटर मैंने काट लिए थे, उसको मैं यहाँ चारों तरफ फैला के नींबू भी डाल दूँगी 2-3 ठो। इसके बाद मैंने यह लिया है दूध। दूध में मैंने लगाया फूड कलर, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमने प्याज बचा के रखा था उसको भी हम इसको फैला के डाल देंगे। और मैं यहाँ हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोयला जलाया हुआ था वो ले लूँगी, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच या आधी चम्मच घी। आप देख सकते हैं जो हमारा बिरयानी का कलर है वो बहुत ही बेहतरीन बन के आया है। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। चावल देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले हुए हैं, चावल बहुत ही अच्छा था, इसका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। सर्व करने के लिए मैं यहाँ देखिए प्लेट में इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे दही, रायता, रसम किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाइए और टेस्ट कीजिए, और ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में, ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।